सत्यभामा की पहले से सगाई हो रखी थी सत धनवा से। भगवान के पास गया सत्राजित राजा, जाकर के कहने लगा, बोले मेरी बेटी से भी ब्याह कर लो। भगवान को ले कोई फैक्ट्री खोल रखी हमने, जिसको देखो अपनी बेटी लेके आया था हम, उससे ब्याह कर लो। बोले महाराज आप लीला पुरुषोत्तम हो, कर लीजिए ना। बोले हम तो तैयार है, आपकी बेटी तैयार है कि नहीं है? बोले वो तो, अरे आप जैसा वर मिले कौन तैयार नहीं होगा। तो भगवान का तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से। कितने ब्याह हो गए अभी तक? तीन, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा। सत्यभामा से भगवान का विवाह हुआ। भगवान को दहेज में सिमंतक मणि ला करके दी। भगवान इसको मुझसे दूर ले जाओ, मुझे चाहिए ही नहीं है, इसकी वजह से इतना कलंकित होना पड़ा मुझे। बंधुओं, भगवान ने भागवत में साफ लिखा है दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए। भगवान ने भी दहेज नहीं लिया, ना रुक्मणी जी से लिया, ना 16108 ब्याह किए, एक में भी दहेज नहीं लिया। और यहां आजकल दहेज प्रथा कैंसर की बीमारी की तरह सब जगह फैलती जा रही है। दूल्हा सज धज करके जाता है, राजा बन करके जाता है मंडप में, और भिखारी बन करके वापस आता है। अरे वो पिता तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है, उससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? भगवान ने दहेज नहीं लिया। अब देखो होता क्या है, अभी ये कलंक दूर नहीं हुआ भगवान से, अभी और बढ़ गया। अक्रूर जी जो कि भगवान को मथुरा से लेकर के आए थे, ये भगवान के साथ ही रहते थे द्वारिका में। ये देखो कितने बड़े भक्त थे, लेकिन भक्त होने के बावजूद भी उनके मन में लोभ आ गया मणि के प्रति। उन्होंने क्या किया, सत्यभामा को जिससे सगाई हो चुकी थी सत धनवा, उसके पास जाके बोले लड़की तो तुम्हारे हाथ से निकल गई। बोले हाँ निकल तो गई। बोले मणि को तो अपना लो। बोले वो कैसे मिलेगी? बोले सत्राजित को मार दो, मणि को चोरी कर लो। बोले अच्छा, रात्रि में गया जाकर के सत्राजित को मार दिया, उससे मणि को चुरा लिया। अब यहां पर जैसे सत्यभामा को पता चला मेरे पिताजी को मार दिया, कृष्ण से कहने लगी मेरे पिताजी के हत्यारे को ढूंढ करके लाइए, आप मेरे पिताजी को मार दिया है। भगवान दाऊ दादा के साथ में निकले, भगवान को पता चल गया किसने चुराई है मणि, सत धनवा ने। अब सत धनवा दौड़ा दौड़ा गया अक्रूर जी के पास। बोले महाराज कृष्ण मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अक्रूर जी बोले एक काम कर, तू द्वारिका छोड़ के भाग जा, मणि मुझे दे के चला जा, और कहीं ये मणि उनको मिल नहीं जाए, तू भाग जा यहां से। तो मणि आ गई अक्रूर जी के पास में, और सत धनवा वहां से भागने लगा। भगवान ने बीच रास्ते में सत धनवा को पकड़ा, सत धनवा रथ से उतर करके जंगल की ओर भागा, यहां से भगवान निकल करके जंगल की ओर भागे। जाकर के बीच जंगल में सत धनवा को पकड़ करके भगवान ने उसको मार दिया। अब उसकी पूरी चेकिंग की, उस पर भी मणि नहीं थी। भगवान लौट करके आए तो रथ में दाऊ दादा बैठे थे। दाऊ दादा बोले क्या हुआ लाला? बोले भैया सत धनवा को तो हमने मार दिया, लेकिन उसके पास मणि नहीं थी। दाऊ दादा के मन में आया कन्हैया की पहले से ही नियत थी उस मणि पे, इसने हमें बिना बताए जेब में रख लिया, बता नहीं रहा इसी के पास में है मणि। दाऊ दादा अच्छा ठीक है, तू द्वारिका जा, मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं। भगवान बोले ठीक है, भगवान को तो सब पता है, मन से सब समझ जाते हैं। भगवान लौट करके द्वारिका आए तो सत्यभामा पानी का ग्लास लेकर के आई। क्या हुआ, मेरे पिताजी का हत्यारा मिला, मणि मिली? भगवान बोले देवी हमने सत धनवा को तो मार दिया, लेकिन मणि उसके पास नहीं थी। तो यहां भगवान की पत्नी के मन में भी आया कि पहले से ही मेरे पिताजी की मणि पर नजर थी कृष्ण की, और इन्होंने बिना बताए उस मणि को अपने पास ही रख लिया है। भगवान बोले देखो कैसा विचित्र, मेरी स्वयं की पत्नी को मुझ पर विश्वास नहीं है, अत्यंत प्रिय भाई को मुझ पर विश्वास नहीं है। भगवान इस लीला के द्वारा संपूर्ण विश्व को बताना चाहते हैं, तुम तो इंसान हो, मैं तो फिर भी भगवान हूं, जब मैं नहीं बचा तो तुम इंसान होकर के कैसे बच सकते हो? बच सकते हैं बताओ।
भगवान, बहुत दिन हो गए सब लोग बस शक करते थे भगवान पर कि इन्हीं के पास मणि है। पूरी द्वारिका में लोग कहते थे बताओ ससुर को मार करके मणि चुरा लिए इन्होंने। भगवान ने कहा बहुत हो गया भाई, ये खत्म होना चाहिए कलंक। अब इतने में ही भगवान को पता चला अक्रूर जी आजकल ब्राह्मण भोजन कराते हैं सोने की थाली में कराते हैं और ब्राह्मणों से कहते हैं थाली अपने साथ ही ले जाओ, अपने पास ही रखो। भगवान बोले बड़ा पैसा आ रहा है अक्रूर जी पे, कहां से आ रहा है इतना पैसा। भगवान ने ध्यानस्थ होकर के देखा तो मणि उन्हीं के पास थी। भगवान ने पत्र लिखा और उसमें लिखा मैं आपको अभय दान देता हूं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पता है मणि आपके पास है, मुझे मणि नहीं चाहिए, लेकिन द्वारिका के लोगों में जो मेरे प्रति बैर भाव है उसको दूर करने के लिए आपको द्वारिका आना पड़ेगा। अक्रूर जी को बहुत दुख हुआ, मैंने कन्हैया के साथ ऐसा किया। मणि लेकर के भगवान को समर्पित करने लगे, भगवान बोले मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मणि के मिलने के बाद धन कमाने के बाद जो व्यक्ति को करना चाहिए वो आप भली भांति कर रहे हो, ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, धर्मशालाएं बनवा रहे हो, इतना दान पुण्य कर रहे हो, अच्छा है रखो अपने पास, लेकिन द्वारिका के लोगों को बता दो मणि मेरे पास नहीं है। और यहां जाकर के भगवान के अंदर से, भगवान के ऊपर से द्वारिका के लोगों के मन में जो वहम था वो दूर हो गया। भगवान कहते हैं जो इस उपाख्यान को सुनता है, जो मैंने अभी अभी सुनाया, उसको बिना मतलब के कभी कलंकित नहीं होना पड़ता, इसलिए ये उपाख्यान सुनाना बहुत अच्छा। एक चौथ का चांद आता है, साल भर में एक बार ही आता है शायद, उसको यदि कोई देख ले तो कहते हैं वो कलंकित हो जाता है। लेकिन अब जितने भी लोग यहां बैठे हैं ये हमारी जिम्मेवारी है, खूब देख लेना, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये समंतक उपाख्यान आपने सुन लिया, अब ये आपकी रक्षा करेगा। तो ये समंतक उपाख्यान इसलिए मैं हर कथा में सुनाता हूं इसको, जितने लोग बच जाएं बेचारे उतना अच्छा है ना, कलंक क्यों लगे, क्योंकि देखो जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है और कौन काग से कारी। इसका उत्तर क्या है, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काग से कारी। यदि व्यक्ति कलंकित हो जाए उसके मुंह पर काली पोत तो वो इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कलंकित हो गया तो पूरी दुनिया को बुरा लगेगा, इसलिए कलंकित होने से बचना है। तो ये समंतक उपाख्यान यहां सुनाया गया। भगवान के तीन ब्याह हो गए अभी तक, इसी क्रम में भगवान का चौथा ब्याह होता है कालिंदी से। कालिंदी कौन है, कालिंदी है श्री यमुना महारानी। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण और अर्जुन भ्रमण कर रहे थे जंगल में, जंगल में भ्रमण करते 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 जैसे ही यमुना किनारे पहुंचे तभी उन्होंने देखा एक सुंदरी स्त्री यमुना किनारे बैठ करके तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन देखो कितनी सुंदर कन्या है और तपस्या कर रही है, पूछ के तो आओ कौन है, किसकी बेटी है और किसके लिए तपस्या कर रही है। अच्छा अर्जुन गए थे अपने चक्कर में कि मेरे से ब्याह हो जाए, इतनी सुंदरी है ये। अर्जुन कहे अरे सुंदरी तुम किसके लिए तप कर रही हो, कौन हो तुम, किसकी बेटी हो। उसने आंख खोल के सीधा बोला अच्छा अर्जुन तुम आ गए, बोले तुम मेरा नाम जानती हो, बोले तुम्हें कौन नहीं जानता। अर्जुन टेढ़ी नजर करके भगवान को देखा हम कितने पॉपुलर हैं, सब जानते हैं हमको। अर्जुन को लगने लगा हो ना हो ये हमसे ब्याह करेगी अब तो। अच्छा तो तुम यहां तपस्या क्यों कर रही हो और तुम्हारा ब्याह हो गया क्या। कालिंदी बोली नहीं अर्जुन अभी ब्याह नहीं हुआ, ब्याह करने के लिए ही तप कर रही हूं। अर्जुन बोले तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। अर्जुन अपने लिए कह रहे हैं मैं आ गया हूं, भगवान ने सुन ली। बोले नहीं अभी नहीं सुनी। बोले क्यों, बोले मैं द्वारिकाधीश कृष्ण से विवाह करना चाहती हूं। भगवान बोले ये भी निकल गई हाथ से, लौट के आए जाओ तुम्हारी नहीं तपस्या की, जाओ ब्याह कर लो, तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला,
कहां एक भी ब्याह नहीं हो रहा था, अब चार चार ब्याह हो रहे हैं तुम्हारे। और चौथा ब्याह हुआ भगवान का कालिंदी यानी कि यमुना जी से। बंधुओं, ये यमुना महारानी का जो सबसे सुंदर स्वरूप माना गया है वो वृंदावन का माना गया है, लेकिन आजकल हमारी यमुना महारानी पवित्र नहीं है। बुरा मत मानना, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान आपकी दिल्ली का है। आपकी दिल्ली की आधे से ज्यादा गंदगी यमुना में जाती है और यमुना को गंदगी से ग्रस्त कर देती है। यमुना का जल आचमन करने के योग्य भी नहीं, एक बूंद भी आप अपने मुंह में नहीं डाल सकते, इतनी गंदी हो गई यमुना जी। लेकिन वो यमुना महारानी वृंदावन में आज भी भ्रमण करती हैं और आज भी वहां श्री कृष्ण वेणु निनाद करने के लिए आते हैं। बंधुओं, आप में से वृंदावन कौन कौन गया, हाथ ऊपर करना। वाह, सभी गए वृंदावन। लेकिन बंधुओं, हमारे यहाँ के एक बड़े अच्छे संत कहते हैं, वृंदावन का एक और नाम है क्या, प्रेम नगर। जहां पर प्रेमी निवास करते हैं उसको प्रेम नगर कहते हैं, जहां पर प्रेम का ईश्वर यानी कि श्री कृष्ण निवास करता है उसको वृंदावन कहते हैं। आज हमसे एक प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ, भगवान वृंदावन छोड़ करके गए मथुरा, मथुरा से वृंदावन दूर तो था नहीं, भगवान चाहते तो सुबह जाते शाम को मिलके आ जाते ब्रजवासियों से, भगवान क्यों नहीं गए लौट कर। कल हमने सुना, कल मैंने देखा कितने सारे लोग भावुक हो गए थे, नेत्र सजल हो गए थे भगवान की याद करते हुए। नहीं तो भगवान तो आज भी वृंदावन में निवास करते हैं और सच्चे भक्तों को आज भी वृंदावन में भगवान दर्शन देते हैं। संत कहते हैं यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है तो वृंदावन मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। क्यों, क्या गा रहे हैं, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, आ कह रहे हैं प्रेम नगर मत जा मुसाफिर। मुसाफिर किसको कहते हैं, घूमने वाले को। यदि घूमने की भावना से प्रेम नगर यानी कि वृंदावन जा रहे हो तो बिल्कुल मत जाना, वहां तो प्रेमी बनकर के ही जाना। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा।
मुसाफिर प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। राधा रमण लाल की नदी एक है, लेकिन कहने का भाव समझो, वहां पर भक्ति की नदियां बहती है और वो इतनी गहरी है कि प्रेम नगर की नदियाँ।
मिसरे अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिसरी और ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिसरी अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिसरी और ना कोई मिठाई। परेशान करेंगे नहीं, ताली बजाने में कोई दिक्कत है, प्रेम से राधा रानी की दूर करे राधा राधा राम।
भगवान का कालिंदी से विवाह सुनिश्चित हुआ। बंधुओं, इस प्रकार से भगवान की अष्ट पटरानियां हैं, भगवान के आठ विवाह संपूर्ण हो चुके हैं। बंधुओं, एक राक्षस है, उसका नाम है भौमासुर। इस भौमासुर राक्षस ने अपने यहां 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा हुआ है, और इसकी इच्छा है 20,000 जब हो जाएंगी तब सबके साथ एक साथ ब्याह करूंगा मैं। आज भगवान को जब उसकी सूचना प्राप्त हुई तो भगवान भौमासुर को मारने के लिए निकलने लगे। इतने में ही सत्यभामा कहने लगी कि महाराज, आपकी इच्छा हो कन्हैया तो मैं भी चलूं आपके साथ। भगवान बोले, आपके बिना काम ही नहीं होगा, चलो बैठो जल्दी। बंधुओं, ये कौन है भौमासुर? ये भौमासुर भूमि का बेटा है। जब इसके महाराज इसके बारे में पता चला कि इसकी मृत्यु कैसे होगी तो सबने बताया कृष्ण इसको मारेंगे, और भूमि है भगवान की पत्नी। तो भूमि ने कहा, प्रभु आप मेरे पुत्र को कभी मारोगे तो नहीं? भगवान बोले, जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। वही भूमि सत्यभामा बनकर के आई है, भगवान की पत्नी है। आज भगवान भौमासुर गए तो भौमासुर के द्वार पर खड़ा था मुर नाम का दैत्य। उस मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा, और भगवान को एक और नाम मिला, मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। मुरारी को भगवान ने मारा, अंदर जाकर के भौमासुर से युद्ध किया। बहुत देर तक भौमासुर से युद्ध करते रहे, भगवान बच रहे हैं उससे, मार नहीं रहे उसको। साथ में थी सत्यभामा। सत्यभामा कहने लगी, बोले महाराज, इतनी देर हो गई आपको मैं देख रही हूं, आप इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते हो? जैसे ही सत्यभामा ने ऐसा कहा, बोले आप इसी चीज का तो इंतजार था, आप कहो तो मारे ना। भगवान ने एक क्षण में अपने सुदर्शन चक्र से भौमासुर का सर धर से अलग कर दिया, और उसके कारागृह में जाकर के देखा, 16,100 राजकुमारियां वहां बंदी बनाकर के बैठी हुई थी। भगवान के नेत्र सजल हो गए उनको देख के। इनका क्या गुनाह था जो इनको इस प्रकार से बंदी बना लिया? अब इन राजकुमारियों के पास में केवल दो रास्ते हैं, या तो ये कुएं में कूद करके अपनी जान दे दें, या फिर गलत मार्ग पर चली जाएं, क्योंकि घरवाले तो इनको कोई अपनाएगा नहीं। बंधुओं, तभी उन 16,100 राजकुमारियों की नजर भगवान पर पड़ी, और भगवान को देखते ही एक साथ 16,100 रानियों के मन में ये भावना उत्पन्न हुई, काश ये हमारा पति होता। एक साथ सबके मन में एक ही बात आई, काश ये हमारा पति होता। और सभी भगवान विधाता से प्रार्थना करती हैं, पतिर मे मह्यम, भूयात पतिर मे मह्यम। ये सामने जो सांवरे सलोने खड़े हैं, इनको हमें पति रूप में दे दो। आपस में नहीं पता कि उसने भी उसी को मांगा है, सब अपने मन में भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। और भगवान ने अपनी भुजाएं उठा करके कहा, आप सब लोग यदि संकोच ना करें तो क्या आप सब मुझसे ब्याह कर सकते हो? सबको लगा ब्रह्मा ने हमारी बात सुन ली, और भगवान के उन 16,100 राजकुमारियों से विवाह हो गए। कितने ब्याह हो गए भगवान के? 16,108। बंधु, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर। भगवान कहते हैं कि आदमी इस बात पर प्रश्न उठाता है कि भगवान ने इतने ब्याह क्यों किए, क्या ये भगवान का लक्षण है? बंधुओं, भगवान सबके साथ अलग अलग रूप से भी रहते थे। हम लोग चाहते हैं कि हम भी भगवान की तरह ब्याह करें, तो सबके साथ अलग अलग रूप से रहो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम नहीं रह सकते। भगवान सबके साथ अलग अलग रूप में निवास करते हैं, तो
भगवान के कितने ब्याह हो गए? 16,108। बंधुओं भागवत में आगे प्रसंग आता है प्रणय कलह। ये प्रणय कलह क्या कहते हैं? प्रणय का मतलब होता है प्यारा, कलह का मतलब होता है लड़ाई। भगवान कहते हैं हर गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि अपने गृहस्थाश्रम में जीवे तो अपनी पत्नी से थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी लड़ाई करता रहे, उससे प्रेम बढ़ता है। और भगवान ने भी किया है। आज भगवान जैसे ही अपनी राज्यसभा से फ्री हुए, फ्री होकर के जैसे ही कमरे में पहुंचे तो भगवान जाकर के झूले पर बैठते थे और झूला झूलते थे, और श्री रुक्मणी महारानी हाथ में पंखा लेकर के भगवान को पंखा पीछे खड़े होकर के झलती थी। और यहाँ कृष्ण और रुक्मणी आपस में एक दूसरे से बात करते थे। भगवान ने मन में सोचा क्यों ना आज रुक्मणी को उदास करके देखा जाए। मैंने आज तक इतने वर्ष हो गए, भगवान के नाती पोते भी हो गए, लेकिन आज तक भगवान ने रुक्मणी को क्रोधित नहीं देखा। अच्छा एक बात बताऊं आपको, भगवान का नाती है 25 वर्ष का, भगवान का बेटा प्रद्युम्न है 50 वर्ष का, और बाबा श्री कृष्ण है 16 वर्ष के। क्योंकि कृष्ण 16 वर्ष से ज्यादा के कभी होते नहीं। भगवान कृष्ण और राम की अंतिम आयु है 16, वो इससे ऊपर कभी जाते नहीं। क्यों? क्योंकि 16 से ऊपर जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसके मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वो व्यक्ति फिर बालक नहीं रहता है, फिर वो युवान हो जाता है, और भगवान कभी युवा होते ही नहीं है। भगवान के मन में कभी विकार उत्पन्न होते ही नहीं है। भगवान हमेशा 16 वर्ष के रहते। भगवान को दाढ़ी मूछ नहीं आती कभी, भगवान तो ऐसे ही रहते हैं क्लीन शेव, उनके निकलती ही नहीं है कभी। ऐसा भगवान का स्वरूप। तो भगवान झूले पर झूल रहे थे, रुक्मणी जी से कहने लगे, रुक्मणी तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? क्या देखा तुमने हमारे अंदर जो हमसे ब्याह कर लिया? रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली, पंखा ही जल रही थी, बोले ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो भगवान बोले अच्छा तुम कहोगे संतों के बारे में, संतों के मुख से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, कथा प्रवक्ताओं से आपके बारे में बड़ी प्रशंसा सुनी है, वे देवी इन पे काम क्या है? खाली बैठे रहते हैं, कोई काम तो है नहीं, संत महात्मा कथा प्रवक्ताओं पर मेरे गुणगान गाते रहते हैं दिन भर। तुम भी ना गलत उनके हाथ में फंस गई जो मेरे से ब्याह कर लिया। तुम कहोगे कि भैया आप बहुत सुंदर हो, काय बात की सुंदर, सारी ब्रज की गोपियां गाती थी, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, और तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों। सारी गोपियां ये कह काला काला, सब मुझे काला बोलते थे, सुंदर तो हम है ही नहीं, फिर तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? तुम कहोगे हमारे पास बहुत बल है, बहुत बलवान है हम। काय बात के बलवान, राजाओं के डर के मारे हम रण छोड़ करके भाग गए थे, और यहां बीच समुद्र में द्वारिका नगरी में रहते हैं डर के मारे। ये कोई बलवान आदमी का लक्षण है? हम तो सबसे बड़े डरपोक हैं। देखो अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम यदि अब भी चाहो तो हम तुम्हारा ब्याह शिशुपाल से करा सकते हैं। ये बात कब कह रहे हैं? जब नाती पोते भी हो गए भगवान के। आजकल नाती पोते हो जाए उसके बाद बाबा कहे अम्मा से, तुम कहो तो वो उससे ब्याह करा दूं तुम्हारा, नाती पोते ही दांत तोड़ देंगे बाबा के, ऐसे बोल रहे अम्मा से तुम। लेकिन यहां तो भगवान का प्रणय कलह चल रहा है। भगवान ने कहा तुम अभी आदेश करो, कल ही तुम्हें लेकर के जाऊंगा और शिशुपाल के पास छोड़ करके आ जाऊंगा। भगवान ने जैसे ही अपने से दूर करने की बात कही, रुक्मणी जी को क्रोध तो आया नहीं, लेकिन रुक्मणी जी को चक्कर आए, और चक्कर आकर के वो धड़ाम से वहीं गिर गई। भगवान ने कहा ये आवाज कहां से आई? पीछे मुड़ के देखा तो रुक्मणी जी मूर्छित पड़ी है। मेरे प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो भुजाओं से रुक्मणी को उठाया और अपनी तीसरी भुजा से पंखा लेकर के रुक्मणी जी को हवा करने लगे, पानी के छींके मारे, और कहने लगे अरे रुक्मणी मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो देख रहा था तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं।
रुक्मणी जी ने नेत्र खोले और भगवान के हाथ को पकड़ करके कहा, कृष्ण तुम कुछ भी कहो लेकिन अपने से दूर जाने की बात मत कहा करो। जैसे तुम ब्रजवासियों को अकेला छोड़ करके गए वैसे कभी हमें छोड़ करके मत चले जाना। ये ऐसा प्रणय कलह भगवान रुक्मणी आदि अपनी सभी पत्नियों के साथ थोड़ा थोड़ा कलह करते रहना चाहिए। शाम को ऑफिस से लौट करके आओ, घर पर आकर के पूछो, हाँ भाई क्या बनाया आज भोजन में? आज रोटी सब्जी बनी है। मना, रोटी सब्जी मुझे खानी नहीं, मुझे दाल चावल खाने। वो दाल चावल बना के ले, मुझे दाल चावल खाने नहीं, मुझे रोटी सब्जी खानी। बस हो गई लड़ाई। तभी किचन से उड़ता हुआ बेलन आएगा आपके पास में। तो छोटा छोटा प्रणय कलह, इतना भी नहीं हो कि सिर विर फूट जाए आपस में, लेकिन थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहनी चाहिए। भगवान कहते हैं उससे प्रेम बढ़ता है। इस प्रकार से भगवान अपनी सभी पटरानियों के साथ में लीला करते हैं। श्रीमद् भागवत में आगे राजा नृग की कथा आती है। बंधु ये राजा नृग जो था, ध्यान से सुनना, दान जो लोग बहुत करते हैं उन लोगों के लिए बड़ी सिख की बात है ये। राजा नृग के यहां लाखों गायें थीं और ये रोज 10 गाय दान में देता था ब्राह्मणों को। गौ दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो एक बार क्या हुआ, राजा ने एक ब्राह्मण को 10 गाय दान में दी और वो ब्राह्मण गायों को लेकर के अपने घर चला गया। रात्रि में एक गाय पता नहीं कैसे वहां से छूट करके वापस राजा की गायों में आकर के मिल गई। अब दूसरे दिन राजा ने फिर से सवेरे उठ करके 10 गाय दान में दी और उनमें से एक गाय वो थी जो पिछले दिन एक ब्राह्मण को दान में दी थी। अब यहां पर सुबह सुबह इसने देखा 10 की जगह 9 गाय रह गई मेरे यहां। तो ब्राह्मण अपनी गायों को दूरते दूरते गया, तभी दूसरी गली में एक और ब्राह्मण था, वो 10 गायों को लेता हुआ आ रहा था। उसमें से एक गाय इसको दान दी थी राजा ने एक दिन पहले। ये अरे ये तो मेरी गाय है, तुम कहां लेके घूम रहे हो इसको? बोले तुम्हारी गाय कहां से होगी, मुझे राजा ने दी है अभी अभी। बोले नहीं नहीं ये तो मेरी गाय है, राजा ने कल मुझे दी थी। बोले तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे राजा ने अभी अभी दी है ये। दोनों में युद्ध हो गया, दोनों राजा के पास में गए। राजा से जाके पूछा ये कैसे हुआ। राजा नहीं उत्तर दे पाया तो राजा को ब्राह्मणों ने श्राप दिया और वो राजा कृकलाश यानी कि गिरगिट गिरगिट बन गया। तो कहा जाता है ब्राह्मणों को दान दो बहुत सोच समझ करके, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार निवेदन किया था, आपके द्वारा दिया गया दान आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यदि वो दान किसी कुपात्र के हाथ में चला गया तो जीवन नरक हो जाएगा, सतपात्र के हाथ में चला गया तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए दान खास करके ब्राह्मणों को, गरीबों की बात नहीं कर रहा मैं, खास करके ब्राह्मणों को बहुत सोच समझ करके देना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं दे देना चाहिए ब्राह्मणों को। ब्राह्मण कुछ नहीं कहेगा लेकिन भगवान तो सब देखते हैं। ब्राह्मण को आप जो कुछ भी देते हो वो सब भगवान के मुख में जाता है, क्योंकि ब्राह्मणोस्य मुख मासीत, ब्राह्मण जो है वो भगवान का मुख है। क्षत्रिय जो है वो भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य जो है वो भगवान का उदर है और शूद्र जो है वो भगवान का कटी भाग है नीचे का। तो ब्राह्मण को जो कुछ भी आप देते हो आप सोचो आप भगवान के मुख में दे रहे हो, और भगवान के मुख में ऐसे ही कुछ भी उठा करके नहीं दिया जाता है। ब्राह्मण को जो दो बहुत सोच समझ कर दो। राजा नृग की कथा आई। यहां नारद जी देवलोक में बैठे बैठे सोचने लगे, बोले यार कलयुग में व्यक्ति एक पत्नी से इतना दुखी हो जाता है कभी कभी, भगवान 16108 नारियों के संग कैसे रहते हैं? चल करके भगवान की लीला देखी जाए। नारद जी यहां भगवान की लीला देखने के लिए आए और जैसे ही भगवान के रुक्मणी जी के कक्ष में, अच्छा भगवान ने 16108 महल बनवा रखे हैं, सब में एक एक रानी रहती है। भगवान जैसे ही रुक्मणी जी के कक्ष में घुसे तो देखा भगवान भोजन कर रहे हैं और रुक्मणी जी उनको भोजन पवा रही है।
इतने में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को आते देखा भगवान आई आई, अरे वाह वाह, आज तो नारद जी का आगमन हुआ है। कैसे आगमन हुआ आपका? बोले महाराज बस ऐसे ही आ गए, आज सोचा चलो प्रभु के दर्शन करने चला जाऊं तो दर्शन करने आया हूं। भगवान ने लड्डू खिलाए नारद जी को। अब भगवान कहीं गए थे, इतने में ही नारद जी रुक्मणी जी को बोला, बोले सुनो इधर आओ। नारद जी ये खोज में थे, कोई तो शिकायत करेगी भगवान की कि मेरे साथ नहीं रहते, उसी के साथ रहते हैं, तब पता चलेगा भगवान कैसे रहते हैं। रुक्मणी जी से कहा, कैसा चल रहा है आपका गृहस्थाश्रम? रुक्मणी जी बोली, अरे नारद जी बड़ा बहुत ही आनंद है, कृष्ण इतना प्रेम करते हैं हमसे कि हम क्या बताएं, एक पल के लिए भी मुझे छोड़ करके नहीं जाते। मैं कहती हूँ कभी कभी और पटरानियों के कक्ष में चले जाओ, कभी नहीं जाते मेरे यहाँ से। नारद जी बोले, अच्छा तो इसका मतलब कृष्ण रुक्मणी से प्रेम करते हैं, औरों से प्रेम नहीं करते। अब बाकी की सब तो भगवान की शिकायत करेंगी, भगवान को आज पता चलेगा भाई उनकी भी शिकायत कोई कर सकता है। नारद जी बोले, ठीक है आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। अब नारद जी रुक्मणी जी के भवन से निकले और सीधे पहुंचे जामवती के भवन में। जैसे ही जामवती के भवन में प्रवेश किया तो क्या देखा, भगवान जामवती का श्रृंगार कर रहे थे। नारद जी ने आंखें मीड़ी, बोले ये भगवान ही है, इतनी जल्दी कैसे आ गए यहाँ पे, मैं भी उसी रास्ते से आऊं, मेरे संग तो आए नहीं, हो सकता है अंदर कोई गुप्त रास्ता बना रखा हो। भगवान जैसे जैसे ही नारद जी पहुंचे, भगवान आई, अरे वाह वाह, जय हो नारद जी महाराज। नारद जी बोले, देख कितना नाटक कर रहे हैं, अभी पिछले कमरे में मिलके आया हूं मैं, कैसे आगमन हुआ आपका? नारद जी बोले, बस ऐसे ही प्रभु दर्शन करने की इच्छा हुई तो आ गए। अरे अरे लाओ लाओ लड्डू लाओ, नारद जी को लड्डू खिलाएंगे। दो लड्डू फिर खिला दिए। नारद जी ने जामवती को बुलाया, सुनो सब कुशल तो है, सब आनंद तो है। जामवती जी, अरे मैं क्या बताऊं नारद जी, द्वारिकाधीश इतना प्रेम करते हैं। नारद जी बोले, हैं तुमसे भी प्रेम करते? बोले, अरे एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, जब से ब्याह हुआ मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा। मैं कहती रहती हूँ कभी रुक्मणी के पास चले जाओ, सत्यभामा के पास, नहीं जाते मुझे छोड़ करके। नारद जी ने टेढ़ी नजर करके देखा, वारे टेढ़ी टांग वाले, गजब हो तुम भी। तीसरे भवन में पहुंचे भगवान, वहां भी विराजमान। चौथे भवन में पहुंचे भगवान, हर भवन में विराजमान है, अलग अलग रूप से विराजमान है, तभी तो वो भगवान है। वो 16,108 पटरानियों के साथ अलग तरह से प्रवेश करते हैं। नारद जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया, बोले प्रभु तुम दिल में तो आते हो, समझ में नहीं आते हो, तुम करते क्या हो ये कोई बता ही नहीं सकता, कोई समझ ही नहीं सकता है, ऐसी भगवान की लीला है। अच्छा बंधुओं, आज कल भी मुझ पर एक प्रश्न आया था, आज भी मुझ पर एक प्रश्न आया है। कल एक प्रश्न आया था कि गौ माता हमारे भारत में इतनी दुखी क्यों है। बंधुओं देखो, शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर जब भी पाप बढ़ता है तो ये पृथ्वी गौ स्वरूपणी हो जाती है, गाय के रूप में परिवर्तित हो जाती है। भगवान का कृष्णावतार जब हो रहा था तो पृथ्वी जो है वो गौ बन करके गई थी ब्रह्मा जी के पास में कि महाराज मेरे ऊपर से आप इन दुष्टों का भार हल्का करो। आज भी पाप कम है क्या? मैं तो कह रहा हूं उस जमाने में तो एक ही रावण था, एक ही कंस था, आज तो घर घर में रावण, घर घर में कंस है। आज से ज्यादा पाप पहले कभी नहीं होता था, तो उसी पाप का कारण है कि धरती, ये गौ माता जो है ये धरती स्वरूपणी है और वो सबसे ज्यादा दुखी है हमारे राष्ट्र में। बंधुओं, हम लोग अपनी माँ की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्वयं की मां की रक्षा हम लोग नहीं कर पाते। लोग पूछते तो हैं, घर में बड़ी से बड़ी गाड़ी रखेंगे लेकिन गौ माता को नहीं रखेंगे। हर घर एक गाय होगी तो ये राष्ट्र गौ की रक्षा कर पाएगा। अभी हमारे पूज्य पिताजी आए थे चौथे दिन कथा में, कलकत्ता से आए थे सीधे, तो कलकत्ता में उनकी जो कथा लाइव आ रही थी संस्कार पे, कई लोगों ने देखी भी थी,
वो कथा पथमेड़ा गौशाला के निमित्त हो रही थी। पथमेड़ा गौशाला जो कि भारत की आज की डेट की सबसे बड़ी गौशाला है, वहां पर कम से कम 5 से 6 लाख गौवंश है, जिनमें से 2 लाख गौवंश विकलांग है, जिनके हाथ पैर ही नहीं है, और उन सबकी सेवा वहां होती है। कैसे होती है कोई नहीं जानता, बस कथाएं भागवत होती हैं, उसमें जो दान दक्षिणा आती है उसी से वो गौशाला चलती है। आप एक गाय को भी यदि पालोगे तो महीने भर का खर्चा 1.25 लाख के समथिंग है, कहां 6 लाख गाय, और उनमें भी विकलांग गाय, कितना खर्चा आता होगा उस गौशाला का। उन महाराज जी से मैं मिला हूं, वो कभी आप उनका फोटो नहीं देख सकते, दत्त शरणानंद जी महाराज नाम है जो उस संस्थापक है उस गौशाला के, उनका कभी फोटो नहीं आता, कभी वो लाइव भी कराते हैं तो ऐसी जगह बैठते हैं उनकी तरफ कैमरा ही नहीं मुड़े। वे बताते हैं कि आज भी वो गौशाला कम से कम 100 करोड़ रुपए कर्जे में जी रही है, लेकिन सभी गौवंश का गौ पालन हो रहा है वहां पर। तो गौ माता इसलिए दुखी है क्योंकि हम लोग गौ को पालते नहीं है। गौ माता कहीं रोड पर दिख जाएगी, चारा वारा खिला देंगे, लेकिन घर में गौ कोई नहीं रखता है अपना। यदि अभी भी मन में संकल्प उठे कि भाई एक गाय तो घर में होनी चाहिए, तो गाय देसी होनी चाहिए, विदेशी नहीं। देसी कौन? जिसका कोठा ऊंचा होता है, वो देसी गाय ही घर में आनी चाहिए। हर घर एक गाय होगी तो गौ माता अवश्य प्रसन्न होगी। आज जो प्रश्न आया वो ये था कि महाराज जी एक बात बताओ, भगवान को एकादशी इतनी प्रिय क्यों है? शास्त्र क्या कहते हैं उस बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। यदि कल मुझे यह प्रश्न मिला होता तो मैं कहीं से पढ़ करके शास्त्र सम्मत बात जरूर बताता, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि भगवान को एकादशी प्रिय नहीं है, भगवान को तुम्हारी याद प्रिय है। जब कभी भी व्यक्ति खाली पेट होता है, भूखा होता है, तो उस दिन भगवान की, अरे भगवान कुछ कृपा करो, भोजन मिले कहीं से। तो एकादशी के दिन जब व्यक्ति व्रत रखता है, अन्न को नहीं खाता है, भूखा रहता है, उस दिन भगवान की याद ज्यादा आती है, इसलिए भगवान को एकादशी प्रिय है। एक कथा हम सुनाते हैं अपनी कथा में, एक आदमी था, बड़ा तगड़ा मोटा आदमी, उसको भोजन बड़ा पसंद था, भोजन के बिना वो जी नहीं सकता था, उसको बस भोजन ही भोजन, 4 बार भोजन करता था दिन भर में। ध्यान से सुनना, एकादशी के ऊपर ही कथा है। 4 बार भोजन करता था दिन भर में। घर वालों ने कह दिया, करते धरते तुम कुछ हो नहीं हो, पूरे दिन खाते रहते हो, पड़े रहते हो, जाओ निकल जाओ घर से बाहर, कमाओ और स्वयं खाओ। बेचारा निकल गया अपने घर से, दौड़ने लगा, कहां जाऊं, ऐसी जगह चाहिए जहां भोजन मिल सके। निकल गया अपने घर से, दौड़ने लगा, कहां जाऊं कैसे जाऊं। इतने में ही एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए उसको संत दिखाई दिए, और संत तो आप जानते होते हैं, खूब मोटे ताजे तगड़े होते हैं ना संत, खूब खाते हैं चकाचक, इसलिए मोटे होते हैं। और वो आदमी ने जैसे संत को देखा, बोले, अरे ये कितने मोटे हैं, खाते होंगे इसीलिए तो मोटे हैं, मतलब इनके पास खूब खाने को है। इतने में 2-3 चेले और निकल करके आ गए बाहर, वो भी खूब मोटे मोटे, बोले ओ हो, तो मतलब ये सब बड़े खाते हैं, इसलिए खाते पीते घर के हैं, इसीलिए इतने मोटे हैं। उनके पास गया, बोले महाराज मुझे आप अपने चरणों में रख लो। बोले रहो कोई बात नहीं, आश्रम में रहो, खूब आनंद से रहो। बोले भोजन की क्या व्यवस्था है? बोले 3 टाइम भोजन होता है, सुबह नाश्ता, मध्यान्ह में भोजन और रात्रि का भोजन। बोले 3 तो कम है गुरुजी, 4 कर दो। बोले ठीक है, तू 4 बार भोजन कर, कोई नहीं रोकेगा तुझे। बोले करना क्या? बोले कुछ नहीं, राम राम जप, सुबह शाम आरती होती मंदिर में, आरती कर। बोले ये बढ़िया, करना भी कुछ नहीं, भोजन भी खूब मिलेगा। अब वो तो रोज भोजन करता, 4 बार भोजन करता, खूब खाता, खाना ही उसका जीवन। अब एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उठ करके रसोई घर भागता, लोग मंदिर भागते, वो रसोई में जाता, क्या बनाया आज खाने को। जैसे ही रसोई में गया तो देखा सारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं, कुछ बनी नहीं रहा, सब हलवाई चुपचाप बैठे हुए हैं। बोला अरे आज कैसे चुपचाप कैसे? बोले गुरुजी ने मना किया। बोले क्यों? बोले उन्हीं से पूछो। गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी आज भोजन नहीं बन रहा, चूल्हे में कोई खाना वाना नहीं बन रहा। बोले अरे आज क्यों बनेगा, आज एकादशी है,
एकादशी के तक भोजन नहीं बनता, भूखे रहते हैं, भजन करो। बोला अरे गुरुदेव और शिष्यों से करवा लो, मुझसे मत करवाओ, मैं मर जाऊंगा भोजन के बिना। बोले नहीं भाई, यहां रहना है तो एकादशी करनी पड़ेगी। बोले आप एकादशी करवा लोगे, मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा आज ही शाम तक, भोजन चाहिए मुझे। गुरु जी बोले बड़ा संकट है भाई, क्या करें इसके साथ। गुरु जी बोले अच्छा एक काम कर, ऐसा नियम है बालक, वृद्ध, बीमार और भूखकड़, जो बहुत भूखा रहता है, इन ये चार लोग भोजन कर लिया करें एकादशी को, कोई बात नहीं, लेकिन चावल फिर भी नहीं खाने चाहिए, ये विशेष ध्यान। कई लोग दिल्ली आ गए हैं, भूल गए हैं एकादशी कब आती है। रोटी बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन चावल नहीं खाने चाहिए एकादशी के दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन अन्न में पाप निवास करता है, चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। तो गुरु जी ने कहा एक काम कर, तू रसोई घर से अपने लिए सामग्री ले, नदी के किनारे बना, खा, और सुन भगवान का भोग लगा के खाना, भगवान तुझे क्षमा कर देंगे। बोला हाँ ठीक है। आप तो वो अपने लिए आटा, दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो कोई भी बनाने के लिए चाहिए सब लेकर के नदी के किनारे चला गया, और जाकर के बढ़िया भोजन बनाया, रोटी बनाई, मोटे मोटे टिक्कर बनाए, बढ़िया सब्जी दाल आदि सब बनाई, थाली लगा करके खाने लगा। तभी याद आया गुरु जी ने कहा था भगवान का भोग लगाना है। अब इसको कोई विधि तो पता नहीं थी भोग की, तो ऐसे ही कितनी सरलता से गा रहा है, ओ मेरे राम आए सीताराम आए, प्यारे राम आए मेरे भोजन का भोग लगाए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाए, राजा राम आए प्रभु राम आए, राजा राम आए प्रभु राम आए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। बहुत देर हो गई बुलाते बुलाते, भगवान नहीं आए। बोले अच्छा इसलिए नहीं आ रहे हो, मैंने मिठाई नहीं बनाई। बोले प्रभु मिठाई तो नहीं है मेरे पास। और बुलाने लगा, बोले रूखी सूखी रोटी बनाइए यही खा जाओ, तब भी भगवान नहीं आए। बोले अच्छा समझ गया क्यों नहीं आ रहे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। हे प्रभु आप भूल करोगे यदि ये रूखा सूखा भोजन छोड़ दोगे, आपको लग रहा है मंदिर में छप्पन भोग बने, अरे वहां से तो जान बचा के मैं ही भाग के आया हूँ। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आए सीधा राम आए मेरे भोजन का भोग लगाए। हे प्रभु ये रूखा सूखा भोजन है इसी को पा जाओ। अच्छा इतना सरल, उसको ये नहीं पता कि एकादशी के दिन भगवान भी व्रत रखते हैं। बोला भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, वहां मत जाना, वहां से तो जान बचा के मैं ही आया हूं। और इतनी सरलता से बुलाया तो मेरे प्रभु प्रकट हो गए, बीच जंगल में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हो गया, प्रकट हो गए। और अकेले नहीं आए, सीता जी को साथ में लेकर के आए। अब जहां इसने राम जी को देखा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन बगल में खड़ी हुई सीता जी को देखा, अब सीता जी को देखे और रोटियों को देखे, अब भोजन तो बनाए दो ही लोगों का, खाने वाले कितने हो गए, तीन। बोले महाराज ये कौन है? बोले ये हमारी पत्नी है। गुरु जी ने तो कहा था भगवान आएंगे, पत्नी की तो उन्होंने बात कही नहीं थी हमसे, इनको क्यों ले आए हो आप साथ में? अरे भाई हमारे साथ ही रहती हैं, जहां भी जाते हैं संगी जाती हैं हमारे। बोला अब आ ही गए तो बैठो, खिलाऊंगा, बैठो, बैठ जाओ। अरे इतना दुखी क्यों हो रहा है? बोले गुरु जी ने तो एकादशी करवा नहीं पाए, आप करवाओगे मेरी एकादशी, इतना सही तो मैं भोजन लेके आया था, वो भी अब खाओ, चलो कोई बात नहीं। खिलाने लगा भगवान को,
बोला प्रभु भले ही मैं भूखा रहा लेकिन आप इतने सुंदर हो, मजा आ गया देख करके आपको, और अब मुझे पता चल गया आप दो आते हो, अगली बार से मैं चार लोगों का भोजन लाऊंगा, तीन लोगों का, आप दोनों भी पाना मैं भी मस्त पाऊंगा। भगवान ने एक दो रोटी छोड़ दी, थोड़ी बहुत सब्जी झूठी छोड़ दी, बेचारे ने खा ली और बोले अगली बार ज्यादा समय मत लगाना जल्दी आ जाना। बोला ठीक है। अब ये वापस लौट के इसने गुरुजी को बताया ही नहीं, बोले गुरुजी ऐसे ही मिलते होंगे भगवान सबको। दूसरी एकादशी हुई, गुरुजी बोले चेला जाओ नदी किनारे जाओ बनाओ खाओ। बोले गुरुजी थोड़ी सामग्री बढ़ाओ हमारी। बोले क्यों? बोले आपने तो कहा था एक भगवान, वहां दो दो भगवान आते हैं खाने के लिए और मैं भूखा रह जाता हूं, तो मेरे लिए आप ज्यादा सामग्री दो। गुरुजी सोचे भूख लगती होगी इसको ज्यादा, इसलिए दे दो इसको, दे दो ले जा जा। अब इसने जाके महाराज अब तो दो तीन लोगों का भोजन बनाया, बढ़िया सब्जी रोटी सब बना करके, और वही अपनी स्टाइल में मेरे राम आए प्यारे राम आए सीता राम आए मेरे भोजन सरलता से बुलाया भगवान फिर प्रकट हो गए। लेकिन अब की बार बाम भाग में लक्ष्मी जी और दाएं भाग में लक्ष्मण जी, अब दो नहीं अब तो तीन प्रकट हुए। और जहां इसने तीन को देखा बोले बड़े विचित्र हो आप तो, एक को बुलाता हूं दो आ जाते हो, अब दो को बुलाया तीन आ गए हो, अब ये कौन है आपके साथ में? बोले अरे भाई हमारे भैया हैं, भाई हैं छोटे। बोले सगे भाई हैं कि कहीं से उठा लाए हो ऐसे ही मुझे परेशान करने के लिए? बोले अरे नहीं सगे भाई हैं। लक्ष्मण जी बोले अरे ऐसी जगह लाए हमारी बेइज्जती हो रही है महाराज, यहाँ कोई भोजन? अरे कोई बात नहीं बैठो। तीनों को बिठाया, लक्ष्मण जी को घूर घूर के देखे मेरी बटकी रोटी खा जाएगा अब ये भी। तीनों को रोटी खवाई बेचारा फिर भूखा रह गया। भगवान से बोला प्रभु भूखा भले ही रहा मैं लेकिन आप लगते बड़े अच्छे हो मुझे, अब की बार मुझे पहले से ही बता जाओ अगली बार कितने आओगे, क्योंकि मैं भूखा रह जाता हूं वो नहीं होना चाहिए। भगवान बोले अरे आ जाएंगे तुम चिंता क्यों, नहीं नहीं बता के जाओ कितने आओगे। हाँ इतने ही आएंगे तुम पक्का ना इतने ही आओगे? बोले हाँ। बोले ठीक है अब तो प्रणाम करके भगवान वहां से चले गए। वापस आया इसमें फिर गुरु जी को नहीं बताया। अब एकादशी फिर आई, गुरु जी बोले चला जाओ भोजन बनाओ जाके नदी किनारे। गुरुजी से बोला गुरुजी सामग्री बढ़ाओ। बोले अरे तेरा बढ़िया है भाई तू हर एकादशी सामग्री कहाँ जाता है इतना सामान? बोले अरे आपको पता नहीं है कितने भगवान पीछे पड़े जाते हैं वहां मेरे। बोले भगवान बेक देता है ये बाहर जाके इसीलिए इतना सामान मांगता है, इसको दे दो आज इसका पीछा करेंगे देखेंगे जाता कहाँ है। अब तो वो सामग्री लेकर के पूरा जा रहा था, आज इसने सामग्री बनाई नहीं रख दी और पहले ही गाने लगा मेरे राम आए सीता राम आए लक्ष्मण साथ लाए मेरे भोजन का भोग लगाए मेरे भोजन का भोग जब बीच जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार तभी वहां प्रकट हुआ श्री राम दरबार। अब तो राम जी भरत जी लक्ष्मण जी सीता जी और संग में हनुमान जी, तो देख लो सारे भूखे लोग आ गए मेरे सामने। भगवान से बोला स्वयं तो आए आज तो बंदर भी साथ में लाए हैं अपने। हनुमान जी को देख करके बोला, हनुमान जी बोले भाई ये बड़ा विचित्र भक्त है। बोले हमारी भी सुन लो। बोले क्या? हमने भोजन बनाया ही नहीं है आज। राम जी बोले फिर क्यों बुलाया? बोले खुद बनाओ और खाओ। बोले तुम क्यों नहीं बनाओगे? बोले जब हमें मिलना ही नहीं है खाने को तो हम क्यों बनावे, खुद बनाओ खाओ। भगवान श्री राम ने इशारा किया जाओ सब लोग बनाना शुरू करो, देखो कैसी भक्त सरल भक्त की कितनी भक्ति है। भगवान के इशारे पर सारी सेना भगवान की भोजन बना रही है। लक्ष्मण जी सब्जी काट रहे हैं,
और भरत जी लकड़ी तोड़ करके ला रहे हैं, सीता मैया रोटी बना रही हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं, सब लोग बैठ करके महाराज वहां भोजन बना रहे हैं, और ये भी बैठा बोले बनाओ खाओ, बच जाए तो हमें भी दे देना। अब जैसे ही सीता मैया हाथ से रोटी बनाने लगी, बड़े बड़े संतों की भीड़ इकट्ठी हो गई, अरे माँ आपकी हाथ की रोटी तो हमें भी मिलनी चाहिए। उसने जहां संतों देखो ये और आ गए, एक दो रोटी जो मिल जाती वो भी नहीं मिलेगी। अब रोने लगा बेचारा सिर नीचे रख के, कैसा भूखा रखा हूं मैं, इससे बढ़िया तो मंदिर में ही था मैं। यहां पीछे से गुरुजी आ गए देखने के लिए, मैं देखूं तो सही है भक्त करता क्या। अब गुरुजी को ना तो भगवान दिख रहे ना उनकी सेना, केवल वो उनका शिष्य और सामग्री, बस ये दो चीज दिख रही। गुरुजी बोले चेला, अरे चेला रुक, अरे गुरुजी देखो कितने सारे भगवान लगा दिए आपने मेरे पीछे, सब मेरा भोजन खा जाते हैं, मुझे कुछ नहीं देते। बोले क्या हो गया, रो क्यों रहा है? बोले आप तो एकादशी करवा नहीं पाए मेरी, इस भगवान ने मेरी एकादशी करवा दी है। बोले कौन से भगवान? अरे ये दिख नहीं रहा है आपको, ये राम जी हैं, वो देखो सीता जी रोटी बना रही हैं, लक्ष्मण जी देखो देखो ये साग काट रहे हैं लक्ष्मण जी, और गुरु जी कहमे इसको कहां दिख रहा है, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा। गुरु जी बोले मुझे नहीं दिख रहे। तब राम जी को, राम जी सुनो इधर आओ, ये हमारे गुरु जी आए, इनको बताओ सारा भोजन आप खा रहे हो। राम जी बोले नहीं, हम इनको नहीं दिखेंगे। बोले क्यों? बोले बस नहीं दिखेंगे, और जोर से ये और बड़ी बात है, अब इनको और नहीं दिखोगे, ये बेचारे यहां सोचेंगे कि मैं कहीं भोजन पार कर देता हूं क्या। अरे दिख जाओ ना, क्यों नहीं दिख रहे हो, ये तो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे बनाया, ये वही हैं, इनको दिखो ना। राम जी बोले नहीं, हम तुम्हें दिखेंगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम सरल हो, तुम्हारे गुरु जी सरल नहीं है। ये बात सुनकर के वो रोने लगा। गुरु जी बोले भाई क्या हुआ, क्या कह रहे हैं भगवान? बोले भगवान कह रहे हैं कि भाई तू सरल है, तेरे गुरु जी सरल नहीं है, इसलिए मैं गुरु जी को नहीं देखूंगा। आज गुरु जी के नेत्र भी भाव विह्वल हो गए, भगवान को याद करते हुए कहने लगे, आपने सत्य कहा भगवान, मैंने ज्ञान प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, वैभव प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन जिससे आप मिलते हो सरलता, वो मैंने प्राप्त नहीं किए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। और जहां सरलता मन में आई, भगवान का पूरा राम दरबार गुरुजी को भी दिखने लग गया। बोलो राजा राम चंद्र भगवान।